मेरा नाम योगेश कुमार है। किस पद पे आप भारतीय किसान यूनियन में? मैं तो एक आम किसान के हिस्से से यहाँ पे बैठा हुआ। मामला क्या है जो आप लोग बैठे हैं? मामला किसानों की समस्याओं को लेकर है। यहाँ पर किसानों की जमीन एक्सप्रेसवे में गई है, उस जमीन का जो है पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिला है और सरकार ने जमीन कब्जे में ले ली है। अब हमारी मांग ये है कि जिन लोगों को मुआवजा मिल चुका है और 64.7% जो एक्स्ट्रा मिलना है वो नोएडा में मिल चुका है, तो यहाँ पर क्यों नहीं मिला? अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये थाने के अंतर्गत आपने धरने का क्यों सोचा कि थाने में ही धरना देना है? नहीं, थाने पर धरने की वजह ये भी रही है कि मुख्य रूप से हमारा जो सारा किसानों की समस्याओं के संबंध में जो भी बातें होती हैं वो समाधान दिवस पर अधिकारी तहसील के भी यहाँ पर आते हैं और समाधान नहीं हो पाता, इसलिए हम एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत कि यहाँ पर सभी समस्याओं का, क्योंकि पुलिस और राजस्व ये दोनों विभाग यहाँ पर इकट्ठे होकर समाधान कर सकते हैं। नहीं, आपने थाने के प्रांगण में, ये थाने की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय बनाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो यहाँ पर थाने से अलग चीज़ है, ये तो एक मंदिर है, सार्वजनिक जगह है। नहीं, सार्वजनिक जगह है लेकिन है तो थाने के अंदर ही। नहीं, थाने के अंदर तो और बिल्डिंग भी है, ये थाने की बिल्डिंग से अलग है। ये सारे क्या हुआ यहाँ, ये वोट दिया गया है, ये किसी शरारती तत्व का काम है जो हर उस चीज़ के भले काम करने वाले लोगों के भी विरोध में लोग खड़े होते हैं, यकीन शरारती तत्वों का काम है। तो फिर आप कुछ करना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, इसका हम अभी ये रात देर रात ये काम हुआ है, इसमें हमारे सारे लोग जो पदाधिकारी गण हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद में हम इसमें निर्णय लेंगे। सर, थाना टप्पल के ऊपर कब्जा कर लिया गया है भारतीय किसान यूनियन के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखिए, कब्जे जैसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि थाना टप्पल में कोई उसका बाउंड्री वॉल या इस तरह का कोई रोक नहीं है वहाँ पर, और न कोई गेट है। ये अपनी बात कहने के लिए आते जाते रहते हैं। किसान यूनियन के कुछ लोग अपनी बात कहने के लिए गए थे आज से कुछ दिन पहले, और उसके सामने एक चबूतरा है जिसमें एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है, बिल्कुल अलग से बना हुआ है। ये वहाँ 4-5 दिन से बैठे हुए थे और अपनी बात कहने के लिए। कल अचानक ये पता लगा कि उन्होंने उस चबूतरे पे जो जहाँ पे ये समझौता केंद्र टाइप का है उसमें कोई रूम नहीं है, पिलर पे एक बरामदा सा बना हुआ है, तो उसमें कल किसी समय इन लोगों ने भारतीय किसान यूनियन लिख दिया। हालांकि जैसे ही पता लगा थाने के एसओ को और जैसे वो दिखाई पड़ा तो उसको पुतवा दिया गया है, लेकिन ये उनका जो प्रयास है ये भी गलत है। वो ठीक है थाना भवन नहीं है, लेकिन थाने के कैंपस का एक स्थान है। कोई किसी को अधिकार नहीं है उस पर अपना नाम लिखवा देने का या अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखवा देने का, वो तो सरकारी रूम है वो, और उस पर अगर कोई इस तरह का करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कल रात की बात थी, आज SPRA गए हैं, उसकी जाँच करेंगे, और वैसे तो उसे मिटा दिया गया लेकिन आज इसकी पूरी जांच करा के जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे।